तो गाइज इस नारी ने कर दिया खज्जल। एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, इधर है उधर से भर लो। दीदी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? ठीक है जी, ठीक है। तो जय हो प्रभु। हाय। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं दीदी के घर पे सुबह सुबह इनको तंग करने के लिए। तो अभी जल्दी से हलवा बनाएंगे और फिर यहाँ से निकलते हैं आगे। चलो मिलते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, सामग्री काट रहे हैं, क्या क्या डालना है इसमें, क्या क्या कर काट रहे हो? धन और सौगी और बस दो ही चीजें डाल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। ओ वो तो नाम ही होता है इसमें। चाकू नहीं काटते, ये देख लो। क्या नहीं काटते? चाक बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। लटका के मटका के झटका के झटका के। तो गाइस ये नारी ऐसी है ना, नारी नहीं ये नारी रेडी नहीं है ऊपर मेले में जाने के लिए। छोटी वाली नारी जाना है मेरे से। नहीं हंठा जाता, हंठा नहीं जाता। तेल ही कर जो कहां हंठे की फिर घोड़ा करा लें। घोड़ा करा पक्का। ये क्या है भाई? अच्छा ये भी रखा तूने है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, मैं जा रही हूँ कोडा। कोड में जा रही हूँ मैं, कोडा जा रही हूँ, स्पार कोड जा रही हूँ मैं। देखो गाइस ये देखो क्या हुआ यार, तीखा तो बहुत सही कर रहे सही कर रहे हैं। ये देखिए इधर अक्षय कुमार भी है। तो गाइस अभी इसमें डाल दिया है ऑयल और बाकी बाकी अब सूजी को छननी में छानेंगे, फिर उसके बाद तेल में डालेंगे, है ना? इसमें बनाना थी लाल दिखती। तो गाइस इस नारी ने कर दिया खज्जल। तो सॉरी नारी कोड नहीं जा रही। नारी का कहना है कि मेरे से पैदल नहीं चला जाता, चढ़ाई नहीं चढ़ी जाती। ये है पानी लार के बनाने बुला लार तुम कूलर के दे लाला। और ये एक नारी फुलके बना रही है, एक नारी बना रही फुलके और दूसरी नारी ने किया खज्जल। मैं भी खज्जल हो गया। मैं तो जा रहा हूँ यार, मैं खज्जल नहीं होऊंगा, मैं जाऊंगा। ये रहा नारी का फुलका, लेकिन गोल नहीं है रुपये की तरह, रुपये की तरह गोल नहीं है। तो हम चलते हैं अब यहाँ से। हलवा पूरी बन गया है, तैयार हो गई। अब हम अब एक चीज और है, उसको बाद में दिखाते हैं, ठीक है? बाय बाय नारी, कोड नहीं जा रही। बाय बाय नारी, कोड नहीं जा रही। मैंने आज वापस जाना है, मैंने ठीक है फिर बाय। जय हो भोलेनाथ। तो गाइस इसके लिए हम यहाँ पे आए थे, इसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या स्टोरी है। नीचे से लेंगे अभी, लेंगे अभी। तो गाइस ये त्रिशूल ना मम्मी ने मेरे पे माना था, कोरोना टाइम पे मैं बीमार हुआ था बहुत ही गंदा वाला, ठीक है? तो मम्मी ने बोला था कि ये मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा तो मैं निशानी त्रिशूल चढ़ाऊँगी। तो आज काफ़ी टाइम के बाद हम ये लेके जा रहे हैं ऊपर चढ़ाने के लिए। अभी इसके ऊपर एक चुन्नी बांधेंगे, एक सेब रखेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। काफ़ी दूर है यहाँ से, आपको थोड़ी मिनी मार्केट दिखाते हैं हम मदरवा की। अपना छोटा सा भदरवा।
गाइस देखो, इसको हम बोलते कुंडी। गाइस देख रहे हो क्या मिला, इसकी सब्जी बनती है। इसके सामने मटन चिकन कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर एक बार खाओगे ना बहुत मजा आ जाएगा, चिकन भूल जाओगे सच में। इतनी टेस्टी होती है, बट खत्म हो गई, कुछ है ही नहीं, जंगल सूखा पड़ा है। गाइस ये जो फूल दिख रहे हैं आपको, ये किसी जड़ी बूटी से और दवाई से कम नहीं है, मतलब ये बिकते हैं बहुत ज्यादा महंगे। ये सब जड़ी बूटियां हैं आपको जितनी भी दिख रही हैं यहाँ पे, मतलब पूरा भरा हुआ, ये देखो कितनी सारी। हमारे जंगलों में और भी बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन अभी वो सीजन जो है ना वो खत्म हो गया, आपको दिखा नहीं सकते। देखो यार कितना प्यारा जंगल है। लेकिन अगर अकेले में आया बंदा तो शेर मिलने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। हमारे जंगल में गुच्छियाँ मिलती है, दूध चट्टे मिलते हैं, ये वाले फ्लावर मिलते हैं, कुंडियाँ मिलती हैं, सब कुछ मिलता है हमारे जंगल में। गुच्छियाँ जो इतनी महंगी बिकती है, 10,000-20,000 में 1 kg हमने भी गुच्छी है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मिलती थी, मुझे और मम्मा को, और तीसरा नंबर मेरा। और वो जो बोल रहे हैं ना, जमीन के अंदर ही होते हैं वो, क्या बोलते हैं, दूध कट्टा, वो तो मुझे इतनी ज़्यादा मिलती थी। जमीन को अगर खोदोगे ना आप तो जमीन के अंदर से निकल जाते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट दूध के जैसे टेस्ट होता है, और उसकी सब्जी भी अच्छी बनती है। लेकिन हम सब्जी नहीं बनाते थे, हम कच्चे खा जाते थे उनको। अब मेरी माँ, तो गाइस माँ मेरी थक गई है, थकी नहीं, कुछ हो रहा है। अभी माँ को पानी पिलाते हैं और थोड़ी सी पावर देते हैं, एनर्जी। कुछ हो गया माँ? क्या हो गया? क्या चक्कर है सारा? तो खाली पेट चल रहा है तो चक्कर तो आना ही है, और क्या है फिर, यही है। बाकी गाइज हम सुबह से चल रहे हैं और अभी तक तो नहीं पहुंचे, ऊपर से धूप भी बहुत तेज है। और ये देखो किसी गुज्जर या बकरवाल ने देखो शेड बनाया बकरियों के लिए, भैंसों के लिए। बाकी देखो यार, बस जब हम वहाँ से ऊपर चलेंगे फिर हमें छावनी मिलेगी, फिर धूप ही धूप है। तो अभी कैसा महसूस कर रहे हो? हाँ, महसूस कैसे करूँ, थोड़ा बेटर फील है। ये लोग देखने, ये फूल बिठा रहे हैं, हमें पता नहीं क्या हो गया। फूल देख रहे हो गाइस, ये फूल पता है जिसको जुकाम लगता है उसकी इसकी चाय बड़ी अच्छी होती है, बनक्ष। गाइस देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। फोन आया फिर से रवि भैया का। गाइस चारों साइड से पहाड़ियां ही पहाड़ियां और बीच में एक छोटी सी वैली, वो देखो गांव दिख रहा है। अब अगस्त में आपको उस पहाड़ी पे लेके जाएंगे हम, ठीक है, बर्फ के बीच में। अभी तो वहां पे बर्फ है, अगस्त तक पिघल जाएगी। अभी हमने और चलना है, बादल यहाँ से वो वाली पहाड़ी और ये वाली पहाड़ी बिल्कुल बराबर दिखेगी, लेकिन उसकी हाइट ज्यादा है। फिर भी सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो चुके हैं एक जगह पे। देखो कितना सही व्यू आ रहा है यार, यहाँ पे मेला, यहाँ है हमारे नाग देवता जी, सुबार नाग। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो ज्यादा लंबी लाइन नहीं है?
गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे स्टेडियम जो है खचाखच भरा हुआ है, लोग काफ़ी मात्रा में आए हैं यहाँ पे। आपको नज़दीक से दिखाते हैं बर्फ़ी वगैरह कैसी लगती है यहाँ पर। देख सकते हैं आप यहाँ पर बर्फ़ी वगैरह पूरी मिठाई लगी हुई है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया है। और ये व्लॉग आपका इनके चैनल पर मिल जाएगा, वैसे सब्सक्राइब कर लेना। देखो भाई गाइस सपोर्ट करना चाहिए किसी बंदे को, अगर कोई बंदा आगे निकल रहा है तो। यो यो गाइस, दुनिया अपने अपने घरों में बैठी है, कुछ लोग चल रहे हैं और उनके साथ हम भी चल रहे हैं। भद्रवाह से जस्ट अभी पहुँचे। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और घंटा दबा के जाओ, ठीक है।